टीम इंडिया को लगा बड़ा झटका। टीम इंडिया के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप 2023 से बाहर कर दिया गया है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में। यह खबर भारत के लिए सबसे बड़ा झटका पैदा कर रही है। पहले उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या टीम इंडिया के आखिरी मैच या सेमीफाइनल या फाइनल से पहले फिट हो जाएंगे, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि वर्ल्ड कप 2023 में टीम इंडिया के लिए कोई भी मैच नहीं खेल पाएंगे। हार्दिक पांड्या की जगह पर अब टीम में प्रसिद्ध कृष्ण की एंट्री होगी। भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप 2023 में हर मैच में जीत हासिल की है। टीम इंडिया 7 में से 7 में जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। अब टीम इंडिया को 5 नवंबर को साउथ अफ्रीका से, फिर 12 नवंबर को नीदरलैंड से मैच खेलना है बाकी के। इसके बाद सेमीफाइनल 15 या 16 नवंबर को होगा और फिर 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल, जिसमें देखते हैं कि कौन वर्ल्ड कप का फाइनल जीतता है। तो दोस्तों, ऐसे में हार्दिक पांड्या के न होने से टीम इंडिया जरूर अपने कॉम्बिनेशन में कुछ मिस करेगी। अगर कुछ ताजा अपडेट के अकॉर्डिंग बताया जाए तो हार्दिक पांड्या अपने टखने की चोट से उभरने में नाकाम रहे हैं और टूर्नामेंट के बाकी मैचों में भी नहीं खेल पाएंगे। दरअसल दोस्तों, पुणे में 19 अक्टूबर को बांग्लादेश के खिलाफ भारत के वर्ल्ड कप मैच के दौरान गेंदबाजी करते समय पांड्या के टखने में चोट लग गई थी, जिसके बाद पांड्या को टीम इंडिया से बाहर रखा जा रहा है और उसकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्ण को लिया जा रहा है। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।